يا السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. जी मेरा क्वेश्चन है, मेरा हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि जॉइंट फैमिली में रहने के लिए जी तो फोर्स करते हैं कि जॉइंट फैमिली में रहेंगे. एक्चुअली मेरे सास ससुर कोई भी नहीं है, उनके भाई और पांचों भाई है, वो लोग के साथ रहने के लिए बोलते फैमिली में. तो जी मुझे पसंद नहीं है, हम बोलते हैं कि अलग से रहेंगे तो मानते नहीं, बोलते कि कल के दिन अगर हमें कुछ हो जाए, तुम्हें कुछ हो जाए या मुझे कुछ हो जाए तो हम लोग बच्चों को कौन देखेगा, मेरे भाई और मेरे भाभी ही देखेंगे ना. जी जी कंप्लीट हो गया सवाल आपका. जी 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 कंप्लीट हो गया. जी 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 बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अल्लाह. बहन का सवाल बेसिकली जॉइंट फैमिली के बारे में है कि क्या कोई शौहर बीवी की रजामंदी के बगैर अपनी बीवी को जॉइंट फैमिली में रख सकता है, जबकि वो बीवी मुतालबा कर रही है कि मुझे अलाहदा घर चाहिए, मुझे अलाहदा रहना है, जॉइंट फैमिली में नहीं रहना है. तो हमारी शरीयत का मौकिफ ये है कि एक बीवी का हक है कि वो अपने शौहर से अलाहदा घर का मुतालबा करे, ये उसका बुनियादी हक है. अगर वो ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती है तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता, ये शौहर के ऊपर वाजिब है कि उसके लिए वो अलाहदा घर का इंतजाम करे. अब ये अलग बात है कि अगर शौहर के पास कुछ परेशानियां हैं और बीवी को उसकी परेशानियों का एहसास है, शौहर का साथ देना चाहती है और अपना रवैया नर्म रखती है इस मसले को लेकर के, और जो है वो गुजारा कर रही है, तो ये उसकी मेहरबानी है. वरना बीवी के ऊपर ये वाजिब नहीं है कि वो ज्वाइंट फैमिली में शौहर के कहने पर रहे, बल्कि ये उसका जो है हक है कि वो मुतालबा करे और शौहर के ऊपर वाजिब है कि उसका मुतालबा पूरा करे. ये पहली बात. दूसरी बात ये कि ज्वाइंट फैमिली का जो सिस्टम है, अंदर जो बहुत सारे मसाइल हैं उनकी रोशनी में अगर आप देखेंगे तो ज्वाइंट फैमिली का जो निजाम है ये इस्लामी निजाम से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है. जैसे मैं आपको एक दो मिसालें बताऊं या एक दो मसले जो पेश आते हैं. सबसे पहला जो बड़ा मसला पेश आता है वो जो है गैर महरम या अजनबी मर्दों से पर्दा करने का. ज्वाइंट फैमिली में इसका एहतमाम तकरीबन बराबर है, ये एहतमाम नहीं हो पाता है. मियां बीवी के दरमियान एक तरह की जो प्राइवेसी होनी चाहिए वो प्राइवेसी बिल्कुल भी नहीं हो पाती है. इसके अलावा ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए औरत को कई सारी ऐसी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं जो उसके ऊपर वाजिब नहीं है. भाई फलाने की खिदमत करनी है, उनका ख्याल रखना है, उनके लिए ये करना है, जबकि ये सारी चीजें औरत के ऊपर वाजिब नहीं होती हैं और उसको ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए ये करना पड़ता है. तो और इसके अलावा जो झगड़े इख्तलाफात रोजाना के जो है मसाइल वो सब अलग से, जबकि हमारी शरीयत में रिश्तों का जो एहतराम किया गया है वो एहतराम ज्वाइंट फैमिली में बाकी नहीं रह जाता है. वो इख्तलाफात इस हद तक बढ़ जाते हैं कि एक दूसरे के लिए इतनी नफरत हो जाती है कि देखना गवारा नहीं होता है. उसके बाद फिर वो अलग होते हैं और जब अलग होते हैं तो हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं. ये ज्वाइंट फैमिली ही का नतीजा है. तो ज्वाइंट फैमिली के अंदर एक नहीं, अगर उसका सर्वे किया जाए तो इस्लामी अहकाम के रोशनी में तो उसमें दसियों खराबियां हैं. तो कोशिश ये करनी चाहिए आपके शौहर को कि जितनी जल्दी हो सके वो अलाहदा घर का इंतजाम कर लें आपके लिए. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अलाहदा घर होने का कि उनके जो भाई बहन हैं या उनके और भी जो दूसरे लोग हैं ऐसा वक्त छोड़ दे रहे हैं. ज्वाइंट फैमिली में ना रहने का मतलब ये नहीं है कि खानदान वालों को छोड़ दो. उनसे आपको ताल्लुकात रखने हैं, रिश्ता बरकरार रखना है, सिला रहमी करनी है, जब उनको जरूरत हो आपको सामने आकर के उनकी मदद करनी है. ये सारी चीजें होनी चाहिए. रिश्ता अलग करने की बात नहीं की जा रही है, बात ये की जा रही है कि आपका एक सेपरेट घर हो, आपकी बीवी के लिए एक सेपरेट घर हो जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ आराम और इत्मीनान के साथ रह सके. बाकी ये दुरुस्त नहीं है. और आपने जो ये कहा कि मेरे शौहर कहते हैं कि अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का कौन ख्याल रखेगा, भाई सिला रहमी करना ये आपके शौहर के ऊपर भी वाजिब है, अपने भाई बहनों के साथ आपके शौहर के भाई बहनों के ऊपर भी वाजिब है सिला रहमी करना.
आपके शौहर के साथ, तो मदद करना इस बात पर डिपेंड नहीं है कि मैं आपके घर में रहूंगा तभी आप मेरी मदद। अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो भाई अलग रहने से ऐसा थोड़ी कि भाई बहन का रिश्ता खत्म हो गया, वो रिश्ता तो बरकरार है और उस रिश्ते की बुनियाद पर वो मदद करेंगे और उनको करना चाहिए, और अगर नहीं करते हैं तो गलत है। अगर ये शर्त रखते हैं कि नहीं हमारे साथ ज्वाइंट फैमिली में रहोगे तभी हम जो है आपके काम आएंगे, तो ये गलत है। जी जी जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख।